9.5 साल सरकार के अंदर सत्ता की मलाई खाई और अब कहते हैं कि मैं विकास करूंगा, काम करूंगा, एक मौका मुझे दो। जब वो वोट मांगने आए उस बात को हर एक किसान को याद रखना है। झंडा बदल लिया होगा पर नियत में फर्क नहीं आया। नाम देवीलाल जी का जरूर लगा लिया होगा पर सही मायने में उनकी नियत आप देख चुके हो, जो आपको राबड़ी जी के सोने वो कह रहे थे। इस बार चुनाव के बाद मेरे साथ विधायक थे, विपक्ष में थे, 19 से लेके जिस दमदार आवाज से अपने इलाके की आवाज उठाते थे, किसान की मजबूर की खुल्ला ही कोई विधायक उठाता है, बहुत काबिल विधायक है। मैं तो यही कह रहा हूँ भाई, कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है उसमें अपना साझा करते हो अब इसको भेज के ज्यादा ज्यादा भेज दो, फिर देखना आप जल्दी लगा के आ जाएगा यार तुम्हारा। सरकारी नौकरी चाहिए, चलो ICS। मैं हूं प्रमोद और आप देखना शुरू कर चुके हैं thesadaknama.com। इस वक्त मैं मौजूद हूं डबवाली विधानसभा क्षेत्र के गांव गंगा में, ये महाग्राम है और आज यहां पर भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो पहुंचे हैं बड़ा रोड शो करने के लिए। उनको लाने के लिए बाइक्स का बड़ा काफिला है, सैकड़ों बाइक के काफिले के साथ पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो पहुँच रहे हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें आज जब भूपेंद्र सिंह हुड्डा के डबवाली विधानसभा, रानिया विधानसभा, एल नवाद और सिरसा में दर्जनों गांव में जो कार्यक्रम हैं वो आयोजित किए जा रहे हैं। सुबह भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो चौटाला गांव पहुंचे थे हेलीकॉप्टर से और देर रात को सिरसा में भी कार्यक्रम होंगे। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि सैकड़ों बाइक्स के काफिले के साथ कांग्रेस प्रत्याशी अमित सिहाग का बढ़ता हुआ काफिला। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो पहुँचे हैं और लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार करेंगे। सैकड़ों लोग हैं वो गंगा गांव के बस स्टैंड पर एकत्रित हैं और भूपेंद्र सिंह हुड्डा है क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें कि किस तरह से जो सैकड़ों की संख्या में जो बाइक्स हैं और उसके बाद जो भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो पहुंच चुके हैं और क्या कुछ बड़ा ऐलान भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं। आपको दिखा रहे हैं तस्वीरें और इस चुनावी रथ लेकर के भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो आज सिरसा पहुंचे हैं और यहीं से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो जनता को संबोधित करेंगे। महाग्राम गंगा की तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा किस तरह से लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं वो तस्वीर भी हम आपको दिखा देते हैं और यहाँ से भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो बड़ा ऐलान आज डबवाली विधानसभा क्षेत्र में करने वाले हैं। चुनावी रथ सवार भूपेंद्र सिंह हुड्डा हैं वो डबवाली विधानसभा क्षेत्र में पहुंचे हैं और आपको दिखा रहे हैं कि कितने सैकड़ों की संख्या में जो लोग हैं वो यहां पर पहुंचे हैं। क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं भूपेंद्र सिंह हुड्डा वो भी हम आपको सुनवाएंगे, क्योंकि जैसे कि आप सब लोग जानते हैं कि हरियाणा में विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं। 5 अक्टूबर को मतदान होगा और 8 अक्टूबर को नतीजे आएंगे। किस तरह से डॉक्टर केवी सिंह, पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा और कांग्रेस प्रत्याशी अमित सिहाग लोगों का अभिवादन है वो स्वीकार कर रहे हैं, क्या कुछ बड़ा ऐलान भूपेंद्र सिंह हुड्डा करते हैं। भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो लोगों का अभिवादन स्वीकार कर रहे हैं और काफ़ी संख्या में जो लोग हैं वो यहाँ पर पहुँचे हैं। कितनी भीड़ यहाँ पर पहुँची है गंगा ग्राम में वो तस्वीर मैं आपको दिखा देता हूँ। उसके बाद कांग्रेस प्रत्याशी अमित सिहाग वो क्या कुछ कहते हैं, क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं, क्योंकि आज डबवाली विधानसभा क्षेत्र में भूपेंद्र सिंह हुड्डा है वो अपना बड़ा रोड शो निकाल रहे हैं। क्या कुछ बड़ा ऐलान करते हैं वो भी हम आपको सुनवाएंगे। बहुत ही आदरणीय हरियाणा के विकास पुरुष नेता, छत्तीस बिरादरी के नेता आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, आप सभी के हरमन प्यारे आदर्श डॉक्टर केवी सिंह जी, मैं आप सभी का गंगा गांव में पहुंचने पर हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। आपका ये जोश, आपका ये सम्मान इस बात का सूचक है कि आने वाली जो सरकार भी है वो कांग्रेस पार्टी की सरकार है। आने वाला जो डबवाली हलके में जो नतीजा आएगा 8 तारीख को वो सही मायने में इतिहास रचने का भी काम करेगा और एक भारी बहुमत से आप कांग्रेस पार्टी की आने वाली सरकार में हिस्सा डालने जा रहे हो। आपके हालात आपके सामने हैं, बताने की आवश्यकता नहीं कि किस प्रकार से
ये बाकी जो क्षेत्रीय पार्टियां हैं, जो मैं मानता हूं पारिवारिक और व्यापारिक पार्टियां हैं, चाहे वो जसपा हो चाहे वो लोकदल हो, वो कहीं ना कहीं जो भाजपा के हाथों में कठपुतली बनकर खेलने का काम कर रही, उनके लिए केवल और केवल अपना परिवार सर्वोपरि है, ना उनके लिए किसान जरूरी, ना उनके लिए मजदूर जरूरी, ना उनके लिए छोटा व्यापारी जरूरी। जहां सहूलियत मिलती है वो भाजपा का समर्थन और साथ सहयोग समर्थन करने का काम करते हैं। तो उनकी राजनीति भी उनकी नीति भी आपके सामने स्पष्ट है। उनके नेताओं की कार्यशैली पिछले 9 साल 4.5 साल आप देख चुके। एक नेता जो पिछले 9 साल के अंदर सरकार में रहे कहते जी एक मौका मुझे दो, 9.5 साल सरकार के अंदर सत्ता की मलाई खाई और अब कहते हैं कि मैं विकास करूंगा काम करूंगा, एक मौका मुझे दो। तो 9.5 साल का सबसे पहले तो उन्हें हिसाब देना पड़ेगा कि इस हलके के अंदर हरियाणा में सबसे ज्यादा नशा क्यों फैलने का काम हुआ। 2014 के बाद ऐसा क्या हुआ कि क्षेत्र के अंदर ये नशे का गढ़ बन गया। इसका जवाब उनसे मांगने का काम करना है। जो बेरोजगार युवा घूम रहे हैं उनसे पूछने का काम करना है कि भाई सरकारी नौकरियां पक्की नौकरियां इस क्षेत्र में क्यों नहीं आई 2014 के बाद, जो कहते हैं मुझे सत्ता में सरकार में हिस्सा लिया जाए। उनसे ये पूछने का काम करना है कि भ्रष्टाचार सरेआम तहसील के अंदर, जो मैं मानता हूँ अधिकारी कोई व्यक्ति जाता था सरेआम पैसा मांगने का काम क्यों करते थे, इसका भी हिसाब उन्हें देना पड़ेगा। तो मैं यही कहता हूँ जब वो वोट मांगने आए उस बात को हर एक किसान को याद रखना है। झंडा बदल लिया होगा पर नियत में फर्क नहीं आया। नाम देवीलाल जी का जरूर लगा लिया होगा पर सही मायने में उनकी नियत आप देख चुके हो। जो आपको राबड़ी जी के सोने वो कह रहे थे इस बार चुनाव के बाद उनको घर वापसी कराने का काम करना है। निवेश क्षेत्र में ये राजनीति आने वाले में समय में नहीं चलेगी। एक दूसरे नेता आए थे 4.5 साल तो मैं मानता हूँ विदेशों में बाहर घूमते रहे, अब आपके बीच में आकर कहते हैं मैं समाज सेवी का चोला पहन कर आया हूँ, मैं यहाँ पर लाइब्रेरी खोलूंगा, मैं यहाँ पर निषेध खत्म करूंगा। तो उनको मैं कहना चाहूंगा आने वाली 8 तारीख के बाद आपके पास पूरा समय पूरे हरियाणा में घूम के अपनी समाज सेवा में काम करने का प्रयास करें। क्या पता अगले 5 साल बाद जनता आपको माफ करे। और जिस प्रकार से हल्के की दुर्गति करने का काम किया है, जनता ने मौका दिया था विश्वास दिया था पर उसी किसानों से आपने किनारा करने का काम किया, उन्हीं किसानों को आपने बीमारी बताने का काम किया। आज वही किसान 5 तारीख को वोट की चोट से आपको जवाब देने का काम करेंगे। आखिर में एक ही बात कहूंगा, सरकार बनने जा रही 2019 में भाजपा ने एक बड़ा नारा दिया था 75 पार का, पर मैं मानता हूँ शायद भाजपा को ये विश्वास था कि हमारी नीतियां इतनी बुरी होंगी, हम जनता की इतनी दुर्गति करेंगे कि आने वाले 2024 में 75 पार कांग्रेस पार्टी पूरा करने का काम करेगी। और जब सरकार में ताकत मिलेगी उस ताकत के साथ साथ कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी की जो घोषणा है उनको याद रखने का काम करना वोट डालते समय। पता नहीं बुजुर्गों को ये जानकारी है, खुशखबरी आ चुकी है, हुड्डा साहब ने आपके लिए हस्ताक्षर कर दिए, 8 तारीख के बाद 6,000 रुपए बुढ़ापा पेंशन मिलने जा रही है। जो हमारे जरूरतमंद परिवार है आपको भी जानकारी होनी चाहिए, 10 साल आपको 100-100 गज के प्लॉट नहीं मिले, मालिकाना हक नहीं मिला जो पुराने प्लॉट थे। अब कांग्रेस पार्टी की जब सरकार बनेगी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, वो 100-100 गज के प्लॉट के ऊपर 3,20,000 की लागत से 2 कमरे का मकान भी आपको बनाकर देंगे, ये भी बड़ी घोषणा है। 2 लाख पक्की नौकरियां, इन्होंने तो पक्की नौकरी देने का काम नहीं किया, अगले 5 साल में 2 लाख पक्की नौकरियां, हर एक महिला के खाते में 2,000 रुपए डालने का काम कांग्रेस पार्टी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी करने का काम करेंगे। मनरेगा मजदूरों को बेहतर सम्मान मिलेगा और मैं ये कहता हूँ जो महिलाएं जूझ रही है महंगाई की मार से जूझ रही है, 500 रुपए में गैस का सिलेंडर और हर एक नागरिक को 300 यूनिट मुफ्त बिजली देने का काम करेंगे। और यहाँ पर बात खत्म नहीं हुई, एक बड़ी घोषणा और है जिसका थोड़ा सा स्वरूप आपने राजस्थान की कांग्रेस सरकार में देखा था, जब हरियाणा में कांग्रेस की सरकार चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ताकि आपके जेब से कोई खर्च ना लगे, कोई भी व्यक्ति जब बीमार हो 25 लाख की लागत से आपको मुफ्त इलाज की कांग्रेस पार्टी की सरकार देने जा रही है। मैं आप सभी का हाथ जोड़ के विनती करता हूँ
ये सुनहरी मौका है इतिहास रचने का, और इस इतिहास के अंदर दवाली साथ चले। मैं आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी से कहूंगा मैं अपनी बात रखे अपना संदेश दवाली को बोलना। डॉक्टर तेज सिंह जी और यहाँ से हमारी पार्टी के उम्मीदवार विधायक अमित जी सम्मानित पंच उपस्थित मेरे बुजुर्गों नौजवान साथियों प्यारे बच्चों, देखो मैं सारे हरियाणा में घूम रहा हूँ, सारे हरियाणा में छत्तीसगढ़ राज्य ने फैसला कर लिया है अगली सरकार कांग्रेस की सरकार। हमारे 10 साल में गरीब आदमी के लिए, किसान के लिए, मजदूर के लिए मनरेगा लेके आए, बहुत सारे काम किए कांग्रेस पार्टी ने। 10 साल इनके दे लिए और 19 में दे लिया आपने। 19 में क्या नारा था, बीजेपी कह रही थी 75 पार और ये बीजेपी वाले कह रहे थे इनको करो ये अपना पार। जब आया चुनाव दोनों बन गए यार, स्वागत हरियाणा का लूट किया, काम किया 4.5 साल, अब फिर अलग हो गए। लोगों की चाहती है बड़ी होगी, जो आप पार्टी के खिलाफ गए हो इसका मतलब ये है ये बीजेपी की बी टीम है, इनो हो बीजेपी हो, और बीजेपी कभी किसान मजदूर की पार्टी नहीं हो सकती है। ये आपने देख लिया, 3 काले कानून लेके आए थे कैसे वापस हुए, हरियाणा के किसान, पंजाब के किसान अड़ के खड़े हुए, 1 साल से खड़े रहे, 7.5 करोड़ किसानों ने शहीदी दी, तो मजबूरन को वापस लेने पड़े। जैसे जैसे कह रहे ये उनकी बीटी है, तो मैं यही कहने आया हूँ मैं छत्तीसगढ़ी हूँ। काम तो आपको बता दिए, अमित जी ने सारे बता दिए आपको जो जो कांग्रेस करने जा रही है। हरियाणा में एक और काम करने जा रहे हैं कि किसान को MSP की कानूनी गारंटी देंगे, तो ऐसे मैं कहने आया हूँ बस। लेकिन हम कह रहे थे भाई देखो अमित जी मेरे साथ विधायक थे विपक्ष में थे 19 से लेके, जिस दमदार आवाज से अपने इलाके की आवाज उठाते थे किसान की मजदूर की, खुल्ला ही कोई विधायक उठाता है, बहुत काबिल विधायक है। मैं तो यही कहने आया हूँ भाई कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है उसमें अपना साझा करते हो अमित को भेज के, ज्यादा ज्यादा उम्मीदवार भेज दो, फिर देखना आप जल्दी लगा के आ जाएगा यार मंजूर है आज खड़े कर के बता दे। बहुत बहुत धन्यवाद। भाई मिल जा।